हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में शुभ गेमिंग। तो कल मैं खेली थी बहुत दिनों के बाद सीएस रैंक, वो भी फ़ोन पे। मतलब जब से मैंने स्ट्रीम स्टार्ट किया है ना, तब से मैंने फ़ोन पे खेले बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो मैं बहुत दिनों के बाद मैं कल मोबाइल पे गेम खेली थी, वो भी रैंडम प्लेयर के साथ सीएस रैंक। तो कल खेलने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने क्यों छोड़ दिया गेम पे खेलना, मतलब मोबाइल पे गेम खेलना, बहुत अफसोस हुआ। और किस किस को लगता है पीसी पे गेम खेलना बहुत इजी है, मुझे भी लगता था, बट गाइस ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोन पे बहुत इजी एंड सिंपल होता है यार। और आप किस पे खेलते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भूकंप बन के जा रही थी इस बंदे के ऊपर, लेकिन वो बंदा भी भूकंप बन गया। और यहाँ पर मैंने एक बंदे को नॉक करने चाह, लेकिन उससे पहले उसने मेरा किल ले लिया। यहाँ पर मैंने दूसरे बंदे को हेड से नॉक कर दिया, लेकिन उस वाले बंदे को मारी थी और मेरी एम चिपक जाती है। भाई ऐसा मेरे साथ ही होता है क्या? मतलब मेरी एम है ना बिल्कुल चिपक जाती है, मुझे इसका सोल्यूशन नहीं पता कैसे कंट्रोल करूँ, चाहे मैं जीती भी शुरू करूँ, ये चीज़ें मुझसे सही होती ही नहीं। और यहाँ पे एक लास्ट प्लेयर बचा था और इसको भी मैंने हेड से नॉक करा था। भाई सोचिए, इसके बाद ना मुझे ऐसा लगने लगा था भाई ये मैं ही खेल रही हूँ ना, क्योंकि उसी पे तो पता है मेरा गेम प्ले सभी को। लेकिन जो कल मैं गेम पे खेल रही, मतलब जो मैं मोबाइल पे खेल रही थी ना, उसके बाद तो मुझे लगने लगा था कि पीसी हटाओ, मोबाइल पे खेलें फिर से स्टार्ट कर दूँ। फिर याद है मैं मोबाइल में खेल तो लूँ पर स्ट्रीम कहाँ करूँगी, ये अलग प्रॉब्लम थी मेरी। और यहाँ पे मैंने सेकंड राउंड में लिया था एक्समेट मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये वाली एक्समेट जो है हर तरह के रेंज में चला ली, तो मिड शॉर्ट या फिर लॉन्ग रेंज में। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने एक किल कर लिया था और बचा था सिर्फ एक बंदे। भाई लास्ट वाला प्लेयर जब भी बचता ना चाहिए, इधर के उधर के लोग ऐसे टूट पड़ते हैं क्योंकि उनको पता है हम तो मरेंगे मरेंगे, लेकिन एक राउंड नहीं जाएगा तो लास्ट वाले किल तो सभी कुछ ही हो। और यहाँ पे सभी लगे थे उस लास्ट प्लेयर को ढूंढने में कि भाई मुझे किल लेनी है, मुझे किल। मैंने भी सोचते थे भाई किल तो भाई लूँगी, मुझे लगा था इस एल शेप के ऊपर तो ज़रूर पक्का बंदा होगा, लेकिन नहीं। मेरी मतलब जैसे मैं एल शेप के ऊपर जाती हूँ उधर से बंदे मार देते, तो मेरा पोपट बन जाता है, लास्ट वाला किल मुझे नहीं मिलती है। और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था हमारा तीसरा राउंड सेंटोसा पे, और ये तो राउंड निकालने के बाद इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम सारे अंधे रश करने लगे थे उनके ऊपर। और यहाँ पे भाई सबके सब बस सभी को मतलब किल कम पड़ रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था अगर हम फोर उसकी जगह मतलब फोर के बंदे सिक्स या एट बंदे सामने हो जाते तो भी हम ईजीली मार देते। इसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में हमारे एक टीममेट नॉक होता है, और पहली बार ना टीममेट्स के नॉक होने से आप सोचने अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब हमें पता था इसके हिस्से की किल भी हमें मिलने वाले, इस तरीके से बंदे मार देते। यहाँ पे मैंने एक बंदे को एक टीममेट से हेड मार के नॉक कर दिया था, और पीछे से पड़ती होती है तभी मुझे, और पीछे वाले बंदे को मैं मारती हूँ। एक समेट से एक और शॉट यहाँ पे, और हाँ मुझे ये पता ना इस वाले गेम पे मैंने कितने हिट मारे, देखते हैं कौन कितना सही बताता है, और कमेंट करके बताने का इसके तहर पड़े, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट प्लेयर बचा था, इसको भी मैंने ठान लिया था कि एक समेट से ही मारो, क्योंकि भाई एक समेट जिस हिसाब से चल रहे थे ना तो मुझे पक्का भाई इतना अच्छा लग रहा था ना एक समेट चलाने में। और यहाँ पे सारे बंदे खत्म हो जाते थे, हमारे निकल चुका था तीसरा राउंड, और ये बची थी इस कस्टम की लास्ट राउंड। इस कस्टम ने तो अपनी कुछ यातायात आदत लगा दी है मुझे, मैं जहाँ भी जो मेरे मुँह से एक ही चीज़ निकलती है और कस्टम। और ये बची थी इस गेम की आखिरी राउंड, भाई जिस हिसाब से बंदे मर रहे थे ना हमें तो पक्का पता था कि ये वाली गेम तो हम ही जीतने वाले, समझ नहीं आ रहा था सामने वाले बंदे मरते जा रहे हैं फिर हम कुछ वाले क्यों बन गए। यहाँ पर मैंने बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, सोचा था लेफ्ट से जाके रश करूँगी, एक बंदे को मैंने यहाँ पर नॉक भी कर लिया था, लेकिन उससे पहले कि मैं उसको क्लियर करती तो उसके बंदे ने मुझे नॉक कर दिया था। रैंडम प्लेयर मुझे बचाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी, और यहाँ पे मैंने बोला भी नहीं था कि मुझे बचाओ, लेकिन यहाँ पे एक बंदा आके मुझे बचाता है। भाई मुझे लगने लगता है कि नहीं रैंडम प्लेयर इतने भी बुरे नहीं होते। और यहाँ पे मैं बिना हील के सामने वाले बंदे को मारने लगती हूँ, क्योंकि मुझे पता था भी सामने वाले बंदे में बचे कितने, ना भी हील करके मारूँ अगर मैं मर भी जाऊँ तो सामने मतलब बंदे बुरा दिला ही देंगे। और मैं यहाँ पे अपनी हेल्थ पूरी करके उस लास्ट वाले प्लेयर को ढूंढने निकल चुकी हूँ जो एक लोटा बचा था सामने वाले टीम से। उससे पहले कि मैं उसे ढूंढती हूँ मेरे टीममेट ने उसको मार दी होती है। और यहाँ पर हमारे ऑफ वाला प्लेयर को मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।